आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त मैं नदी नाके के विसर्जन घाट पे खड़ा हुआ हूं और आपको बता दूं कि आज 10 दिन की गणपति का विसर्जन हो चुका है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, जब 5 दिन की गणपति यहां से विसर्जन हो रही थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि भिवंडी एक ऐसा भिवंडी है जिसकी मिसालें पूरे इंडिया में दी जाती है, क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय एकात्मता का जो एक पैगाम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जाता है। आज भी नदी नाका के जितने भी गणपतियाँ यहाँ पर आ रही थी, उन सब गणपतियों को उनका स्वागत करने के लिए एक पंडाल पर, एक स्टेज पर जो लोग बैठे हुए थे, वो तमाम के तमाम मुस्लिम लोग के वहाँ पर अमन और शांति के पैगाम देने के लिए बैठे हुए थे, लोगों का स्वागत कर रहे थे। ये एक बड़ी बात है हमारे भिवंडी शहर के लिए कि एक गैर मुस्लिम के प्रोग्राम में मुस्लिम लोग आकर स्वागत कर रहे हैं। और ऐसे ही होता है कि गैर मुसलमानों के प्रोग्राम में जो है वो क्या कहते हैं कि गैर मुस्लिम आके उनका स्वागत करते हैं। ये हमारे भिवंडी शहर की एक परंपरा रही है और ये परंपरा हमेशा कायम रहती है, क्योंकि इसके कायम करने के लिए ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमने उनसे बात की, आज उनसे बातचीत करके उनको कोशिश की कि उनके पैगाम भी आप तक पहुँचे जाए। आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि ये जो अमन और शांति का जो स्टेज बना हुआ था, जिसे योगेश चौहान साहब ने बनाया था, ये स्टेज पर ये लोग बैठ कर किस तरह से लोगों का स्वागत करते हैं और किस तरह से अमन और शांति को जो बरकरार रखते हैं, हमारे भिवंडी शहर की पद्धत को किस तरह से बरकरार रखते हैं, ये हर इंसान के लिए जो इंसानियत का धर्म रखता हो, जो हिंदू मुसलमान को नहीं बांटता हो, उनके लिए एक सीख है। आइए हमारे भिवंडी शहर से सीखिए कि किस तरह से हमारा भिवंडी शहर एकता और राष्ट्रीय एकात्मता का जो है पैगाम हर एक को देता है। हालांकि कुछ लोग जो है छोटी मोटी हरकतें ज़रूर कर बैठते हैं, लेकिन उनकी हरकतों को इग्नोर किया जाता है, उनकी हरकतों को जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि अगर 100 में से 1% अगर कुछ लोग ख़राब होते हैं तो उसको ख़राब नहीं कहा जाता है, वो जो लोग बहक जाते हैं। तो देखिए, हम आपको उस स्टेज पर ले चल रहे हैं और उन लोगों से हम मिलाते हैं जो लोग स्वागत समारंभ के स्टेज पर बैठे हैं, जो लोग पुलिस के नियंत्रण कक्ष पर बैठे हैं और लोगों का किस तरह से खुलकर स्वागत कर रहे हैं। आइए कुछ सवाल करते हैं उनसे और उनके पैगाम को आप सुनते हैं। मैं अपने सहयोगी सलमान शेख के साथ सुल्तान कुरैशी। आज आम्ही सर्व लोक इथं जमा झालेले आहेत आणि गणपती बाप्पाचा 10 दिवसाचा आज कार्यक्रम माझ्या हिसाबाने पूर्ण व्हावा लागला आहे। तक्रार होती का हा 10 दिवसाचा गणपती आहे, हे चांगल्या पद्धतीने झाले पाहिजे कार्यक्रम, कारण का कोरोना मागे जे कोरोना काल झाला होता त्यामध्ये आम्ही सर्व लोक म्हणजे फार मोठा कार्यक्रम नाही झाला, पण हे जी गाईडलाईन जी होती सरकारची त्याप्रमाणे हा कार्यक्रम झाला। अतिशय सुंदर आणि अतिशय अमन शांतीने हा कार्यक्रम मला वाटतं का व्हावा लागला। आता गणपती बाबाचा हा कार्यक्रम या वर्षी झाला, पण ते सरकारची जे गाईडलाईन आहे त्याप्रमाणे झाला आहे। DCP जोन 2 यांनी जे गाईडलाईन दिली, हे सर्व आम्ही पीस कमिटीचे लोक, अमन और शांती करणारे लोक आहेत आम्ही, आणि सगळे मोहल्ला शांतता समितीचे लोक आहेत आम्ही। सर्वकडून आम्ही सगळ्यांना आज मागे वर्षे जे येणार आहेत गणपती बाप्पा असं चांगल्या पद्धतीने येवाव आणि जुलूस जसा जातो तसं झाले पाहिजे। या वर्षी जे गाईडलाईन होती त्याप्रमाणे हे कार्यक्रम झाला। मला आज तुम्ही तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून हा सांगतो का तुम्ही आम्हाला सगळ्यांना हे केलं आहे, तुमचा धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। सबसे पहिले तो मैं सभी भिवंडीवासियों को सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। हर साल की तरह इस बार भी 1.5 दिन, 5 दिन और 10 दिन का जो विसर्जन, गणेश विसर्जन का जो कार्यक्रम था वो बहुत शांतिपूर्वक हुआ। भिवंडी महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी और हमारे जो विसर्जन स्थल है, जो तिलक घाट है, शेलार घाट है, वराल देवी है, कामत घर है, भादवड़ तालाब, ये सभी विसर्जन घाटों के ऊपर और कोनगाँव का विसर्जन घाट, ये सभी विसर्जन घाटों के ऊपर शांतिपूर्वक ये विसर्जन का कार्यक्रम हुआ। ये विसर्जन का कार्यक्रम शांतिपूर्वक होने के लिए पुलिस ने बहुत मेहनत लिया। आपने देखा होगा कि हमारे जोन 2 के DCP योगेश चौहान साहब, इन्होंने ये गणेश उत्सव के लिए
दो महीना पहले से ही तैयारी चालू कर दी थी और उसके बाद शांति अमन कमेटी के जो मेंबर है, भिवंडी के नागरिक है और सभी सामाजिक संस्थाओं की बैठक ली और ये धार्मिक उत्सव ये शांतिपूर्वक करने के लिए आह्वान किया था। कोरोना का काल है और इस काल में शासन ने और पुलिस प्रशासन ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, कुछ मार्गदर्शक सूचनाएं दी, वो सभी मंडल ने अच्छी तरह से पालन किया गया और भिवंडी में गणेश उत्सव अच्छी तरह से संपन्न हुआ। सबसे पहले तो मैं तमाम गणेश भक्तों का और यहाँ की पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और यहाँ पे जो 10 दिन के गणपति का समापन हो गया, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं भिवंडी DCP योगेश चौहान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी मीटिंग लेके हमको 2 महीने पहले ही गाइडलाइन दिया था कि यहाँ पे जितने भी शांतता समिति थी, मोहल्ला कमेटी के जो मेंबर है, तुमको किस तरीके से अपने अपने एरिया में काम करना है और किसी किस्म का नाखुशगवार वाक्या नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमको जिस तरीके से कहा था, हमने उनके कारनामे को अंजाम दिया।